ब्रिटेन के कैपिटल मार्केट्स इंडस्ट्री टास्क फोर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ब्रिटेन में 3% विकास दर के लिए अगले 10 सालों में 1 ट्रिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट सरकार को देश में करना होगा। टास्क फोर्स का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मकान और ऊर्जा वगैरह में 1 ट्रिलियन पाउंड अगले 10 सालों में प्रतिवर्ष 100 बिलियन पाउंड की दर से करना होगा, तब कहीं जाकर विकास दर बढ़ेगा। यूरोपियन यूनियन के मारियो द्राघी ने यूरोप के लिए नई औद्योगिक रणनीति की अपनी रिपोर्ट में आह्वान किया है कि यूरोपीय संघ को 800 बिलियन एक वर्ष में निवेश करना होगा और अर्थव्यवस्था में तीव्र सुधार करना होगा ताकि अमेरिका और चीन से पीछे नहीं रहें। मारियो द्राघी ने यूरोपीय संघ को निवेश निधि जुटाने के तरीके में व्यापक बदलाव करने के साथ साथ आर्थिक नीति में बदलाव का आह्वान किया है। मारियो द्राघी ओमरी एक इतालवी अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, बैंकर, राजनेता और सिविल सेवक हैं। उन्होंने फरवरी 2021 से अक्टूबर 2022 तक इटली के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इससे पहले उन्होंने 2011 और 2019 के बीच यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। द्राघी 2009 और 2011 के बीच वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अध्यक्ष और 2006-11 के बीच बैंक ऑफ इटली के गवर्नर भी थे। इटली में एक अकादमिक अर्थशास्त्री के रूप में लंबे करियर के बाद द्राघी ने 1980 के दशक में वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के लिए काम किया और 1991 में इतालवी ट्रेजरी के महानिदेशक बनने के लिए रोम लौट आए। 2006 में बैंक ऑफ इटली के गवर्नर के रूप में अपनी नियुक्ति तक बने रहे। 2008 की महान मंदी के बीच उन्हें वित्तीय स्थिरता बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनने के लिए चुना गया था, जो वैश्विक मानक सेंटर है जिसने वित्तीय स्थिरता फोरम की जगह ली। मारियो द्राघी को पता है कि यूरोप में ऊर्जा बहुत महंगी है। यूरोप में औसतन ऊर्जा दर 89 किलोवाट है, जबकि अमेरिका में 1600 किलोवाट है और सबसे कम दर चीन में 800 किलोवाट है। सवाल यह है कि ऐसे हालात में यूरोप में 800 बिलियन एक वर्ष में कौन देश इन्वेस्टमेंट करेगा। ग्रेट ब्रिटेन की आबादी 6.5 करोड़ है और उसको प्रतिवर्ष 100 बिलियन निवेश कर अगले 10 सालों में 1 ट्रिलियन निवेश की ज़रूरत है ताकि देश विश्व गुरु बना रहे। भारत की आबादी 140 करोड़ है और एक पाउंड 110 भारतीय रुपया के बराबर है। क्या भारत का कोई बुद्धिजीवी या नेता बता सकता है कि भारत में धार्मिक उन्माद फैलाने, नफरत का जहर बोने, मंदिर मस्जिद करने, धर्म जाति के नाम पर हिंसा करने और धार्मिक भावनाएं आहत होने व ठेस पहुंचने के नाम पर बवाल करने के लिए कितने बिलियन या ट्रिलियन निवेश की ज़रूरत है। मोहम्मद सीमा अब्जमन, दस्तक लाइव न्यूज़।